ऑर्गन सिस्टम फर्स्ट था कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेन सिस्टम कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेन सिस्टम एंड द डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी सो फर्स्ट था ऑर्गन सिस्टम स्टूडेंट्स अगर हम ऑर्गन सिस्टम को देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम में सेल्स सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन जब एक दूसरे से मिल कर को प्रॉपर एक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो उसे सिस्टम बनता है यानी ऑर्गन्स के रिलेटेड ऑर्गन्स के मिलने से एक से ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो इसका डेफिनेशन भी हम यही करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बेसिकली यानी एसोसिएशन बिटवीन द ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटिव और रिलेटेड फंक्शन एक रिलेटेड फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे एंड द जॉब ऑफ सिस्टम इज़ टू कम्प्लीट आर स्पेसिफिक प्रोसेस यानी कम्प्लीट फंक्शन को या प्रोसेस को क्या करना कम्प्लीट करना जाओ ऑर्गन सिस्टम की जॉब होगी अच्छा यहाँ हम पहले देखे थे सिस्टम के प्रोसेस का क्या मतलब है प्रोसेस का अगर सिंपल यू समझें कि जैसे हमारे डाइजेशन से रेलिवेंट जो काम है हमारी ओरल कैविटी ओरल कैविटी क्या कर रही है कि जस्ट फूड को च्यू कर रही है स्टोमिक के अंदर फर्दर इसकी डाइजेशन हो रही है इंटेस्टाइन के अंदर जाकर इसकी एबज़ॉर्पेशन हो रही है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो डाइजेशन और एबजॉर्पन का प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है यानी एक सिस्टम एक पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है अगर आप इसमें सिर्फ हम कहें के जी इंटस्टाइन uh, को हम डिस्कस करते हैं तो इंटस्टाइन एक सिस्टम नहीं बनाएगी क्योंकि इंटस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन तो हो रही है लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रही है इसी तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हार्ट को अगर हम देखें हार्ट एक इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन है जिसने ब्लड को पंप करना है लेकिन सिर्फ ब्लड की पंपिंग पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बनाएगी उसके लिए आर्टरीज चाहिए कैपिलरीज चाहिए वेंस चाहिए और ब्लड चाहिए ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं एक सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम फिर क्या करता है एक सिस्टम जो होता है वो पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है ब्लड सर्कुलेशन ये पूरा प्रोसेस है डाइजेशन एक पूरा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जैसे सिर्फ डिफरेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और एक सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इसलिए जब हम ऑर्गन सिस्टम्स की कंपोजिशन देखते हैं तो ऑर्गन सिस्टम की कंपोजिशन में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो रिलेटेड फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को जैसे ले लें डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास ओरल कैविटी ओरल कैविटी के अंदर डिफरेंट जो है वो ग्लैंड्स हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं टीथ है टंग है, है बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं एसोफिगस है स्टोमिक है स्मॉल इंटेस्टाइन है, है. ये सारे ऑर्गन मिलकर एक जो ज़िवस्ट है सिस्टम जो है उसको बनाते हैं डायग्राम में अगर आप देखें एर इन डायग्राम ये आपके पास एक पूरे एग्जाम्पल के तौर पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की कंपोजिशन दिखाई हुई है जिसमें ओरल कैविटी है एसोफिगस है स्टोमिक है स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंडस्टाइन इसके साथ साथ लिवर और पैंकरियाज भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है यानी ये दो ग्लैंड हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है मीन्स बहुत सारे ऑर्गन अब इसमें से एसोफिगस एक सेपरेट ऑर्गन है स्टॉमिक सेपरेट ऑर्गन है पैंकरियाज पे सेपरेट ऑर्गन है लिवर एक सेपरेट ऑर्गन है और हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये सारे फंक्शन मिलकर एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे बॉडी के अंदर या हमारा टोटल बॉडी जो है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है यानी एक इंडिविजुअल की हम डेफिनेशन जब बायोलॉजी में करते हैं तो हम यही कहते हैं कि डिफरेंट uh, ऑर्गन के मिलने से सिस्टम और डिफरेंट सिस्टम जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं तो इसका मतलब हमारा बॉडी बेसिकली डिफरेंट सिस्टम्स का कंबिनेशन है डिफरेंट सिस्टम्स के मिलने से बना हुआ है हमारे बॉडी के अंदर एलेवन सिस्टम्स हैं इसमें से यानी टोटल जो जो है सिस्टम में दे यार एलेवन इंटेगोमेंट्री अगर मैं वन बाई वन देखूँ इंटेगोमेंट्री इंटेगोमेंट कहते हैं स्किन को स्किन नेल्स हेयर ये सारा का सारा क्या है इंटागोमेंट्री सिस्टम है जैसे बर्ड्स के अंदर बर्ड्स के बीक और फैदर्स जो होंगे वो क्या है वो उसके इंटेगोमेट्री सिस्टम का हिस्सा है इंटेगोमेंट कहते भी स्किन को बाहर वाली चीज़ को है मस्कुलर सिस्टम दूसरा सिस्टम मस्कुलर है जितने भी मसल्स हैं चाहे वो स्कैल्टर मसल्स हैं स्मूथ मसल हैं कार्डिक मसल्स हैं वो सारे सारे जो मूवमेंट का बायस बन रहे हैं वो मस्कुलर है स्केल्टल सिस्टम बोन्स का जो सिस्टम है ये एक अलग सेपरेट सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसने डाइजेशन से रेलिवेंट सर्कुलेटरी सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसने गैश्रिय एक्सचेंज करनी है एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम वो है जिसने बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन को प्रोड्यूस करवाना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से जनरेशन आगे कंटिन्यू रहती है यंग वन प्रोड्यूस होते हैं नर्वस सिस्टम बेसिकली इसमें ब्रेन और बाकी इसके नर्व्स तो इन्वॉल्व हैं स्पाइनल कार्ड जिसने कम्युनिकेशन करनी है लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरल एक सिस्टम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम भी बेसिकली वो मॉलिक्यूल जो आमतौर तो पर ब्लड के थ्रू मूव नहीं करते हैं वो लिफेटिक सिस्टम इसके अलावा लिम्फैटिक सिस्टम का तलक इम्यूनिटी से भी है ये इसमें हमारी इम्यूनिटी में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है यूरनरी सिस्टम यूरनरी सिस्टम बेसिकली इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन फेस यानी जो हमारे किडनीज़ का फंक्शन जो है वो यूरूनरी सिस्टम है तो इन दिस डाइग्राम अगर हम इस पर स्लाइड पर देखते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलेवन सिस्टम जो हमारे बॉडी के बनाते हैं वो सारे के सारे सिस्टमेटिकली यहाँ ड्रा किए गए हैं, हैं दिखाए गए हैं इस पर हमारे पास द फर्स्ट वन डायजेस्टिव सिस्टम जो कि डायजेशन का प्रोसेस कम्प्लीट करवाता है मस्कुलर सिस्टम जिसने बॉडी की तमाम मूवमेंट्स लोकोमोशन या और बॉडी के अंदर जितना हार्ट पम्पिंग वगैरह ये सारे का सारा मस्कुलर सिस्टम है इंटागोमेट्री सिस्टम बेसिकली रिलेटेड है स्किन से स्किन के ऊपर जितने भी हेयर हमारे नेल्स स्किन ये सारी इंटागोमेट्री सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है या वो मालिक्यूल जो ब्लड में ट्रैवल नहीं करते वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करते हैं इसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम है जो बेसिकली हारमोन की प्रोडक्शन से रिलेटेड है एंडोक्राइन हार्लैंड होते हैं वो हारमोन पैदा करते हैं नर्वस सिस्टम का काम बेसिकली न्यूरॉन्स के ऊपर यानी कि ब्रेन और से रिलेटेड जो है कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करें सिकेलिटन सिस्टम स्केलेटन यानी कि बोन का ढांचा है तो ये हमारी बॉडी को स्पोर्ट या स्पेसिफिक शेप देता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव अगर मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा जो कि आगे इसका काम बेसिकली होगा कि जनरेशन को आगे चलाना यंग वन को प्रोड्यूस करना रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन सांस लेने से रिलेटेड है लंग्स का सिस्टम जो है यूनिटरी सिस्टम का काम है बेसिकली ब्लड फिल्ट्रेशन नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से निकालना किडनी का जो सिस्टम है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ये है ब्लड सर्कुलेशन तो हमारा टोटल बॉडी जो है इन एलेवन सिस्टम्स के ऊपर जो वो कंसिस्ट करता है इनसे बना हुआ होता है